देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के साथ रविवार को आगरा में होंगे। वे पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा आगरा की जनता के समक्ष रखेंगे, जिसके लिए जीआईसी मैदान पर आयोजित जनसभा स्थल पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और भाजपा के पदाधिकारियों ने शिरकत की। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को आगरा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनके साथ पार्टी प्रदेश मुखिया चौधरी भूपेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगी। मौका होगा पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का। दिन के पहले पहर में ये नेता फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर आम जनता को पीएम मोदी के 9 साल का लेखा जोखा देंगे। वहीं 3 दिन के तीसरे पहर आगरा के जीआईसी मैदान पर आगरा लोकसभा क्षेत्र की जनता से सीधा संवाद कर 9 साल बेमिसाल के नारे को परवान चढ़ाएंगे। ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में कि कोई सरकार 9 साल की कॉपी जचवाने के लिए अपनी जनता के बीच में आई है, वरना इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव में कभी अपने विकास कार्यों को नहीं बताते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि यह है। अक्सर हम लोग शौचालय, आवास, किसान निधि, सिलेंडर की संख्या बताने लगते हैं। मेरी दृष्टिकोण से ये भारत के इतिहास में 9 साल बेमिसाल नंबर 1 पे इस मामले में है कि जो दिल्ली की लुटियन जोन है, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ पर नॉर्थ जोन, साउथ जोन, निर्माण भवन, साथी भवन, रेल भवन है, ये काजल की कोठरी है। और काजल की कोठरी में कोई व्यक्ति 9 साल रहे और एक काला दाग उन पर, उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य पर ना हो, ऐसा राजनीतिक लोग कम कर पाए हैं। तो जनता को बताने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा है 9 साल बेमिसाल, उसी के अंतर्गत आगरा में भी जनसभा हो रही है, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी और अन्य हमारे केंद्रीय नेता, प्रदेश के बड़े नेता आ रहे हैं और वो अपनी उपलब्धियाँ गिनाएंगे। हमने जब हम विपक्ष में थे, उससे पहले घोटालों की सरकार थी, हमने कुछ जनता से वादे किए थे, हमारी कुछ इरादे थे, कथनी और करनी में अंतर नहीं आया, ये हमने 9 साल में दिखा दिया। चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन के रूप में, जब हमने राम जन्मभूमि बनने की बात की, मंदिर बन रहा है, हमने सांस्कृतिक विकास की बात की, या सांस्कृतिक विकास पूरे भारत में तेजी से हो रहा है, हमने धारा 370 हटाने की बात कही, हमने हटवाई, 35 से हटवाई, इसी तरीके से जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करने वाली बातें थी वो करी, जैसे कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भोजन पहुँचाना, भोजन पकाने की सिलेंडर की व्यवस्था करना। जीआईसी मैदान पर आयोजित जनसभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 7,500 कुर्सियां इस मैदान पर लगाई जा रही हैं। बारिश की संभावना के चलते वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है। भाजपा के नेताओं ने आगरा लोकसभा क्षेत्र की जनता से अपराह्न 3 बजे इस जनसभा में शिरकत करने की अपील की है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जनता में उत्साह, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हजारों के संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे, उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के, उनके लिए सुनने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है कार्यकर्ताओं को। आप विश्वास जानिए, कल यहाँ पर आप खुद जब होंगे तो आपको दिखेगा कि ये मैदान तो भरा ही है, पर मैदान के आसपास का 5 किलोमीटर का रेडियस आपको पूरा भरा मिलेगा, ऐसी यहाँ पर संख्या रहने वाली है। मैं सभी देवतुल अपने जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस जनसभा की शोभा बढ़ाएं और आप सब सादर आमंत्रित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे, गृह मंत्री रहे और वर्तमान में केंद्र सरकार में 3rd नंबर के उनकी जो हैसियत है, रक्षा मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में कल यहाँ पे आगरा आ रहे हैं और जीआईसी मैदान में ये सभा होगी और उनको सुनने के लिए यहाँ पर हज़ारों की संख्या में हमारी जनता आएगी। और माननीय राजनाथ सिंह ने जिस तरह सेना को सशक्त किया है, तीनों सेनाओं को, और जिस तरह से चाइना और जो हमारा पाकिस्तान है, और हमारी सेना को दोनों से एक साथ लड़ने के लिए जिस तरह से पूरी सक्षम बनाया है। रक्षा मंत्री की जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा नेताओं ने भूमि पूजन किया, मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां दी गई। सभी नेताओं ने दावा किया कि देश के रक्षा मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष को सुनने के लिए भारी तादाद में लोग जीआईसी मैदान पहुंचेंगे। सी न्यूज के लिए विजय बघेल की रिपोर्ट।